हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जिवेश और आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं नई वीडियो। आज हम करेंगे द शेड के क्वेश्चन आंसर, तो इसे स्टार्ट करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हु इज द स्पीकर इन द पोम? इस पोम का स्पीकर कौन है? इट इज़ नॉट वेरी क्लियर हु इज द स्पीकर। इसमें क्लियर नहीं बताया गया पोम में कि स्पीकर कौन है। परहैप्स द स्पीकर इज द पोएट इज हिमसेल्फ। जो पोएट है वही स्पीकर है। इज ही और शी अफ्रेज ऑफ क्यूरियस और बोथ? द स्पीकर सीम्स टू बी बोथ क्यूरियस एज वेल एज अफ्रेज्ड टू गो इनसाइड द शेड। ही वॉन्ट टू फाइंड आउट वट इज इनसाइड द शेड। एट द सेम टाइम ही इज अफ्रेड बिकॉज ही थिंक्स स्ट्रेंज वॉइसिस कुड बी हर्ड फ्रॉम देयर एंड देयर इज पॉसिबली अ घोस्ट हु लिव्स इनसाइड द शेड। या वो डरा हुआ है या फिर वो उत्सुक है। वो उत्सुक भी है, डरा हुआ भी है, क्योंकि वो जानना चाहता है कि अंदर क्या है और उसे डर भी लगता है कि अंदर भूत है। वट इज शी और ही प्लानिंग टू डू सून? ही और शी प्लान्स टू गो इन साइड द शेड आफ्टर सम डे और आफ्टर मैनी डेज। वो ना अंदर जाने चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर। But not just yet. Suggest doubt, fear, hesitation, laziness, or something else. Choose the word which seems right to you. Tell other why you choose it. But not just yet. Seem to be suggested lack of preparation. The speaker wants to be further certain and prepare himself for the endeavor. He has already overcome his fear, so there is no fear. However, waiting for the right time could be a reason for postponing the act. सही टाइम का इंतजार कर रहे हैं जिससे वो अच्छे से एक्शन ले पाए। इज देयर अ रूम इन योर हाउस और अ हाउस इन योर नेबर लोकेलिटी वे यू फाउंड रेदर नॉट गो अलोन एंड नेवर एट नाइट? इफ देयर इज अ सच अ प्लेस एंड अ स्टोरी टू गो विद इट लेट अदर हियर अबाउट इट। देयर इज अ स्टोर रूम इन माई हाउस which is in backyard of the house. It is a little away from the main structure. It is full of odd objects and not even lit properly. Thus, going to the storeroom at night calls for a lot of courage. My mother once asked me to fetch certain things from the storeroom. When I entered the storeroom, I felt as I saw a moment of shadow, screamed with terror, but later got to know that this shadow was thing बट माई माइंड्स इमेजिनेशन। ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। ये तो मैंने बस ऐसे ही बता दिया आपको। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। वाई वर द हिंजेज ऑफ द डोर रस्सी? हार्डली एनी बडी वेंट इन साइड द शेड सिंस द डोर वर ओपनड फॉर अ लॉन्ग टाइम। इट्स हिंजेस हैड रस्ट बिकेम रस्टी। उस पर रस्ट क्यों लग गया है? हार्डली किसी ने ओपन नहीं करा होगा बहुत सालों से, इसलिए उस पर रस्ट लग गया। What does the speaker usually do while lying in the bed? Speaker पड़े पड़े क्या करता है बेड पे? The speaker generally contemplated the idea of going inside the shed. वो ज़्यादातर वो सोचते हैं कि शेड के अंदर कैसे जाए। What does the broken glass window suggest? टूटे हुए कांच की विंडो क्या बताती है? The broken glass panels of dusty window suggested lack of maintenance. क्या वहाँ पे मेंटेनेंस नहीं हुई है? There was hardly anybody who went there inside the shed. वहाँ पे बहुत मुश्किल से ही कोई गया होगा। So cleaning the shed was a distant possibility. So shed को साफ करने की बहुत कम पॉसिबिलिटीज है। According to the speaker's brother, where did the ghost hid himself? Ghost कहाँ पर छुपता था? उसके भाई के अकॉर्डिंग। According to the speaker's brother, the ghost himself hid under the rotten floorboards of the shed. वो ना फ्लोर के नीचे छुपता था। तो ये हमारी क्वेश्चन आंसर हो गई। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।